बड़ी खबर है इस वक्त लखनऊ से। लखनऊ मंडल में बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे पटरी से गायब मिली है 77 फिश प्लेट। बादशाहनगर और डॉलीगंज के बीच गायब मिली है फिश प्लेट। निरीक्षण पर निकले कर्मचारियों ने दोनों स्टेशनों पर सूचना दी। आनन फानन में ट्रेनों का आवागमन रोका गया है। मौके पर पहुंचे रेलवे इंजीनियरों ने फिश प्लेट लगवाई। कहीं ये आतंकी साजिश तो नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल में कई बड़े रेल हादसे हुए हैं और उनके पीछे आतंकी साजिश सामने आई है। और ऐसे में 77 फिश प्लेट का गायब हो जाना अचानक, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। जानबूझकर की गई ये घटना थी, जानबूझकर ट्रेनों को डिले करने की कोशिश थी, साजिश रची गई थी और इसकी जांच अब चल रही है। तो बादशाहनगर और डॉलीगंज के बीच से रेलवे ट्रैक से 77 फिश प्लेट गायब मिली है। इंजीनियर की टीम पहुंची और फिश प्लेट दोबारा लगवाई गई, तब ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सका। लेकिन काफी देर तक ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा फिश प्लेट नहीं होने की वजह से। लेकिन कौन है वो जो एक साथ 77 फिश प्लेट उखाड़ ले गया, इस बात की जांच की जा रही है। ये इसको पिंडाल जो होता है क्लिप, वो पूरा खुला हुआ था दोनों तरफ, दोनों पटरियों की जो है सो बाहर बिखरे हुए थे, कुछ झाड़ी में कुछ बगल में। तो उसको हमने देखे कि लंबे दूर तक हैं, मतलब एक अनुभव से। तो हमने जो है सो फिर जाकर गेट पे बताएं, सेफ्टी के सेफ्टी बताएं, गेट पे बताएं, उसको तुरंत जो है स्टेशन मास्टर को बताए, वो फिर कंट्रोल से जो है गाड़ी को ब्लॉक करते। और उसमें दो चीज़ें रहती हैं, क्लिप रहती है और एक लाइनर रहता है। तो वो दोनों चीज़ें निकाली हुई थी और निकाल करके उन्होंने साइड में कंटिन्यूस कुछ साइड में पड़ी थी, कुछ झाड़ी में पड़ी थी। इमीडिएटली हमने तो आदमी एक गेट पर गया, गेट पर उसने इन्फॉर्मेशन दी, गेट वाले ने कंट्रोल को इन्फॉर्मेशन दी, तो तुरंत वहाँ पर ट्रैफिक रोक दिया गया। क्लियर कट एक सेबोटेज का केस है, किसी ने जानबूझ के किया है, एकदम क्लियर।